करने के लिए और इसके सपोर्ट के लिए एक और एक टूल है। ये सिंपल आपका साइंस का थ्योरी है कि छोटे चीज से नहीं खुलेगा तो बड़ी चीज से खुल जाएगा। इसको डॉक्यूमेंट फ्रेश करना तब एक्सेल लूज हो जाएगा। इसको ऐसे नीचे दबाना, ठीक है? ये 20 पे है तो अपने को चेन लूज होते ना, तो उस टाइम पे उसको वन ऐसा अपवर्ड पुश करना है ऐसा। ओके, लाइट डालो। तो 20 है तो अभी इसको मैं पूरा लूज फर्स्ट हैंड उसको फुल लूज करना। पहले यहाँ तक आना हो, ये पूरा प्लेन होना, ये चीज नहीं नहीं वो पूरा प्लेन उसको मारना ही पड़ता ना उस तरफ का लूज। इसको सपोर्ट के लिए पूरा लूज कर दे, उसको सपोर्ट नहीं रहता ना। तो इसको लाइट लूज करना, बस इन्हें फ्री मूवमेंट रहने के लिए लाइट लूज करना। और इसके बाद में जो सेटिंग अपन टाइट करने के लिए टाइम पे इसको अपवर्ड पुश करना पड़ता ऐसा 22। सो सेम उस तरफ भी और एक एडजस्टर रहता वहाँ पे 22। सो इसको भी अपन क्या करना है 22 पे लेके आना। तो देख रहे हो उसका स्टाइल देख रहा है लूज टाइट करने का 19 20। तो अभी इसको फुल टाइट हो गया। ओके, अभी इसे फुल टाइट कभी भी नहीं रहना। तो इसको लूज करने के टाइम पे प्रेस करना पड़ता है इसको, तो हार्ड रहता है इसको। ये कटिंग तो फिर जब टाइट कर रहे हो ना देख के टाइट करना, बस वही है सीन। इससे नहीं होता भी हो जाता कटिंग प्लेयर लेना पड़ता इसका हैक बताता हूँ आपको, बहुत सिंपल हैक है ये। चेन चाबी को ऐसे रखना, नहीं नहीं उस तरफ और नहीं नहीं कहीं पे भी रखना नहीं चलता, यहाँ पे रखना, समझ रहे हो? अच्छा। ये प्ले रहना, इतना ही रहना ना या इससे कम रहना? बस छोड़ दो, ये लेवल पे रहता चेन हमेशा टाइट करने के बाद। तो यू नो फ्री मूवमेंट ऊपर नीचे होना, थोड़ा हिलना वो चेन 22-25 सेंटीमीटर गाड़ी ऊपर नीचे 2-3 सेंटीमीटर होना वो चेन। अगर वो नहीं हुआ तो फिर तेरा गाड़ी झटका देना शुरू कर देगा। वो झटके के वजह से इसका ओरिंग्स खराब हो जाता, उसके वजह से लोग क्या सोचते कि चेन जल्दी खराब हो जा रहा बजाज का, बट वो लोग बाहर के मैकेनिक के पास जाके टाइट करवाते और ज्यादा ही टाइट करवा देते। समझ में आया? खींचने का जरूरत नहीं है और कस्टमर वेट के हिसाब से भी रहता। अरे सोचो आप 60 kg तो इसकी इतना चाहिए ना आपको बराबर होता। अगर वेटेड पर्सन आई मीन 100 kg उसके ऊपर रहने वाले को जब जितना पे आपने 18 पे रखे थे उतना लूज थे ना, उतना लूज कंपलसरी होना। मतलब दो लोग नॉर्मल में नहीं, वो बोलने का मैं तेरे को बताता हूँ तरीका क्या है ना। देख अभी ये देख, ये एंगल जो है स्विंग आर्म का, इट इज नाउ नॉट दिस, इट इज दिस। Yes. समझ में आ रहा? तो क्या है ना, चेन का इस पॉइंट से उस पॉइंट तक इट इज अ शॉर्टर डिस्टेंस, सो यू हैव टू कीप इट लूज। जब तू गाड़ी के ऊपर बैठेगा ना इट विल गेट टाइट ऑटोमेटिकली। समझ में आया? तो वेट के हिसाब से उसने जैसे बोला, वेट्स के हिसाब से क्योंकि स्विंग आर्म उतना ऊपर उठेगा ना, एंड दिस थिंग विल गेट दैट मच टाइटर व्हेन पीपल सिट ऑन इट। सस्पेंशन नीचे हो जाता है, तो इसको अभी अगर हम 18.5 में रखें इस चेन को और तू इसके ऊपर आके बैठा, देन इट विल गेट टाइट क्योंकि ये सीधा हो जाता। ये जैसे ही सीधा होगा ये चेन खींच लेता अपने आप। आपका जब चेन नया रहता है डजंट गेट लूज दैट मच, जैसे धीरे धीरे पुराना होते जाएगा इट गेट्स लूज, स्टार्टिंग टू गेट लूज विद इन 300 किलोमीटर। जो पुराना होता ना लूज रखना ही अच्छा है सबसे। हाँ वो रीजन अलग है, वो क्योंकि उसके टीथ की वजह से। हाँ ये टीथ जो है ना वो खराब हो जाए तो नहीं, की बात। अच्छा ये स्प्रॉकेट, हाँ वो घिस जाता ना तो उसके लिए लूज रखना पड़ता था कि गाड़ी चेन जंप ना करे। सो दैट इज उतना तक यू हैव नॉट, यू शुड नॉट टेक योर स्पोर्ट्स बाइक अंटिल दैट लेवल।
याद रखना है चीज़। सो स्पोर्ट्स स्पेक्स का फर्स्ट ऑफ ऑल दिस चेन डजंट हैव अ लिंक, हमको ये पूरा स्विंगम नीचे उतार के ये चेन लगा के फिर ये स्विंगम लगाना पड़ता है, समझ में। देर इज नो लिंक इन स्प्लेंडर्स आपके शाइन इन सब में, दे हैव अ लिंक हियर, एक व्हाइट कलर का जॉइंट निकाल के वो चेन छोटा कर सकते हैं, बट हम लोग का वो सिस्टम नहीं रहता। सो वंस दिस चेन गोज अप टू, ओहो ये भी दिया है क्या, इस तरफ पकड़ने के लिए, अगर इस तरफ so, एक और चीज़, कभी कभी मैकेनिक्स क्या करते हैं कि आपका चेन एक्सल इतना टाइट कर देते हैं कि दिस स्टार्ट्स रोटेटिंग इंस्टेड ऑफ दैट ओपनिंग, तो इसको क्या करना है, इसको चुपचाप ऐसे लगा देना है यहाँ पे, सिर्फ खाली सपोर्ट देने के लिए बस ऐसा रख लेना, इसने अंदर से लगाते हैं ना, इधर लगाना, क्यों बोल तो जब घूमेगा ना ऊपर जाके यहाँ के अटक जाएगा, समझ में आया, तो आप ऐसे लगा दोगे ना यहाँ पे अटक जाएगा, देन यू कैन लूजन योर चेन, नीचे अटक जाए। टूल किट का काम क्या है अभी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, व्हाई इज दिस टूल किट गिवन, द चीपेस्ट ऑप्शन इज यूजिंग केरोसिन, द कॉस्टली ऑप्शन इज जो ये भाई सब यूज करते हैं WD-40 नहीं डालना चेन्स में, आपका ओ रिंग खत्म कर देता है वो चीज, नहीं तो C1 एंड दिस वन क्या बोलते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, not use it on chain, diesel and petrol and WD-40 chain ke upar use nahi karte, because aapka main chain ka kaam rehta hai, people matlab main problem ye hai this o-ring chain na, here is the o-ring, iske andar rehta hai o-ring, wo bhi aise flat dabke, and o-ring ke andar lubrication rehta hai, hum log jo spray karte hai na wo bahar ke lubrication ke liye, andar ka lubrication anytime chain mein rehta hi hai, बाहर का मतलब एक गैप, इसके गैप एक गैप के बीच में एकदम, एक बीच में नहीं, जल्दी खराब ना हो करके वी स्प्रेड सो दैट वो इजीली मूव कर सके, दैट्स द ओनली रीजन फॉर स्प्रेइंग, गैप कहीं नहीं घुसाना, बिल्कुल यहीं पर ही सेंटर नहीं, नहीं यहाँ पे ये रिंग का जगह पे नोजल मतलब नहीं है, ठीक है, एक स्ट्रॉ लगा के उसको ऐसे आप जब करोगे ना, ध्यान रखना इट इज पॉइंटिंग हियर एंड हियर, नो वेयर एल्स, बीच में नहीं, बीच में तो बिल्कुल नहीं, साइड में भूल जाओ, नहीं करना वो सब, बस ओरिंग के ऊपर यहाँ पे और यहाँ पे स्प्रे मारना, वो ओरिंग जब अंदर घूमता रहता है इट विल ऑटोमेटिकली लुब्रिकेट होल ऑफ द चेन, ओके, लाइक इज देयर, देयर इज नथिंग लाइक दैट, देयर इज नथिंग लाइक दैट, आपको जो लग रहा है ना अभी अभी बोला ना वो समथिंग नंबर सीक्वेंस के ए में ये यूज करना है, लाइक मोटो C1 C2, हां मोटो C1 C2 आपका एक फुल कंबाइंड पैकेज है फॉर चेन क्लीनिंग एंड लूबिंग, ठीक है, OKS का मैं यूज करता हूँ क्योंकि मेरे को बजाज सर्विस सेंटर में मिल जाती है, मैं कोई भी बजाज सर्विस सेंटर के अंदर बड़े सर्विस जैसे वरुण का है, आप अंदर घुस जाओ भाई एक OKS का स्प्रे दो, 190 रुपीज लेता है, यू टेक द स्प्रे 10 स्प्रेज खत्म OKS, फिर आपको एक नया खरीदना पड़ता है, 10 स्प्रेज गोज फॉर 2 मंथ्स, बजाज का बहुत बेकार है, 2-3 दिन में 2 स्प्रे, ये 2-3 दिन मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने OKS का स्प्रे डाला एंड स्टिल डलके है, मैंने अभी तक नहीं बजाज का बोल रहा हूँ, बजाज का OKS ही आता है, OKS है बजाज का, OKS ही, वो जो व्हाइट एंड ब्लैक रेड कलर का डब्बा रहता है ना, दैट इज OKS ओनली, बट इट इज अ स्मॉलर पैक, दिस वन 10 स्प्रेस आता वो 10 स्प्रेस के आसपास, मतलब अपने माने के ऊपर है, हां अभी आप पूरा भरा के उसको डालोगे तो नहीं होता, मैंने जैसे आपको बोला जस्ट एक लाइन, यहाँ पे 2 लाइन, यहाँ पे 2 लाइन, दैट्स इट, उतना ही मारना है आपको चेन स्प्रे, उससे ज्यादा मारना ही नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं है उससे ज्यादा, स्ट्रॉबी आते ना हाँ उसके साथ आता है, लेकिन वो मोटल को इसको ही स्ट्रॉ लग के रखते पर घिस के रखते हैं, कहीं पे खींच लेता कभी एक चेन के अंदर घुस जाता टूट जाता, इफ वी व्हाइल स्प्रेइंग दैट वो बीच में भी आ जाए तो प्रॉब्लम है क्या, एंड वो प्रॉब्लम नहीं है, बट यू ऑलवेज एम फॉर दिस जॉइंट, दिस जॉइंट इज द मेन थिंग, इसके अंदर आपको ओ रिंग रहता, लुब्रिकेट करने का काम, मतलब यू हैव टू लुब्रिकेट ओनली द ओ रिंग, नथिंग एल्स, चेन में और कोई मूविंग पार्ट नहीं है, वो ओ रिंग ही मूविंग पार्ट है, वो बीच में रहता है एंड द चेन मूव्स लाइक दिस, समझ में आया, आपको उस जॉइंट को लुब्रिकेट करना है, दैट्स इट, ये जॉइंट वो जॉइंट, यहाँ पर आपको स्प्रे मारोगे तो क्या होता है, अंदर रबर घूमता रहता है, जब आपका चेन टर्न होता रहता है ना, इट टर्न्स, तो आपको वो अपने आप लुब्रिकेट कर लेता घूम के, तो यू हैव टू जस्ट स्प्रे हियर हियर, दैट्स इट खत्म, वो कोई कोई बोलते हैं कि भाई यहाँ पर भी स्प्रे करना पड़ता, नहीं जरूरत नहीं, जरूरत है ही नहीं, और प्रॉब्लम क्या होता है, यहाँ पर स्प्रे करने से वो साला इसके ऊपर भी लगता क्रैंक के ऊपर और वो चेन के ऊपर जाता फिर, दैट इज द प्रॉब्लम, अभी एक लुब्रिकेंट है, इफ योर चेन इज अ बिट लूज, चला हो गया लूज, कभी पता चला सारा चेन खिसक के निकल गया बाहर, क्योंकि इट इज स्लिपरी, आप जब भी इसको भी हाथ लगाओगे इट इज वेरी स्लिपरी,
समझ में आ रहा है, अट्रैक्ट डस्ट ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है पूरा वो गंदा।